ये जो कोरोना वायरस का भी सिचुएशन चल रहा है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है म्यांमार जाना सेफ है या नहीं। एनी हाउ मैं रिस्क ले रहा हूँ, जा रहा हूँ म्यांमार, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि म्यांमार में ऐसा टफ केस है या ऐसा कोई सीरियस केस नहीं है कोरोना वायरस का। मेरा डेस्टिनेशन हमारे इंडिया का जो नेबर कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्लान बनाते हो और आपका जो प्लान है वो आपके आप पहले जो प्लान बनाए रहते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाता है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि इंडिया से मैं हिचहाइक करके यानी लिफ्ट मांग कर जाऊँगा म्यांमार, बट टाइम मेरे हाथ में बहुत कम है, तकरीबन 11 दिन का मेरा ट्रिप है और टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है, तो मैं इसलिए फ्लाइट ले रहा हूँ यहाँ से मणिपुर। रुपये प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, तो एक्चुअली मैं सोच रहा था उस कार्ड से लाउंज एक्सेस करने का, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ लाउंज यहाँ पे है तो एक्सेसिबल है या नहीं। पेटीएम का एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं। रुपये प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, इसका एक बेनिफिट तो मिला। इस कार्ड को आप स्वाइप कीजिए और आपके अकाउंट से बस 2 रुपया डेबिट होगा और आप आराम से लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट है जो आप ले सकते हैं, राइस, दाल, सब्जी। और यहाँ पे कुछ सलाड्स आइटम है जो आप ले सकते हैं। तो 2 रुपये में कमाल का नाश्ता हो गया। रुपये प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपको ऑफर देती है, आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में नहीं है आई थिंक, और क्रेडिट कार्ड है तो उसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:50 और 12 बजे मेरा बोर्डिंग है गेट नंबर 22 से, तो मैं गेट नंबर 22 की तरफ बढ़ रहा हूँ और
यही तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे गेट पे पहुंचने में। इस वक्त मैं हूँ मणिपुर एयरपोर्ट पे और मैंने फ़्लाइट लिया था कोलकाता से इम्फाल का और मैं इम्फाल उतर चुका हूँ। और मेरा जो पूरा प्लान है वो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर यानी टामू मोरे बॉर्डर। मोरे वो इंडिया का लास्ट गाँव है जो जहाँ से म्यांमार का शुरुआत होता है। बाई वॉक मैं मोरे से टामू जाऊँगा और इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसे पैदल क्रॉस करूँगा और फिर बढ़ूँगा टामू की तरफ। फिर टामू से मैं एक बस लूँगा मैंडले के लिए, फिर मैंडले से मैं बागान जाऊँगा, फिर बागान से यंगून और यंगून से वापस ऐसे ही। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कोरोना वायरस का चेकअप हो रहा है। ये जो कोरोना वायरस का भी सिचुएशन चल रहा है इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है म्यांमार जाना सेफ है या नहीं। एनी हाउ मैं रिस्क ले रहा हूँ, जा रहा हूँ म्यांमार, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि म्यांमार में ऐसा कोई सीरियस केस नहीं है कोरोना वायरस का। तो आई एम प्लानिंग टू मूव म्यांमार और ठीक मेरे पीछे ये कोरोना वायरस का चेकअप चल रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सिर पर लगाया जाता है और जिससे पता चल जाता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा है। और फॉरेन नेशनल्स के लिए स्पेशली जो चाइना से आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक अलग कुएं बनाया गया है, वो वहाँ से गुजरेंगे, उनका चेकअप होगा कोरोना वायरस का और फिर वो आगे अगर उनका जो हेल्थ चेकअप है वो मतलब कोरोना वायरस से मुक्त पाए जाते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, वरना उनको 15 डेज क्वारंटाइन का जो रूल्स है उसके अंदर रखा जाएगा। तो अभी बैगेज क्लेम करने का टाइम आ गया है। तो ये था मेरा रफ प्लान, मैं म्यांमार कैसे जा रहा हूँ। और वीज़ा की मैं बात करूँ म्यांमार का वीज़ा, म्यांमार वीज़ा लेने का दो तरीका है, एक आप खुद कंसुलेट से ले सकते हैं और दूसरा आप इंटरनेट पे यानी ई वीज़ा ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट कंसुलेट जाके म्यांमार का वीज़ा लिया था और उसका प्राइस पड़ा था $40। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना चुका है, वो ऊपर आई बटन पे है, उसको आप देख लीजिएगा। और ई वीज़ा आप लीजिएगा तो ई वीज़ा का प्राइस $50 पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ बैगेज क्लेम की तरफ, वीज़ा का $50 पड़ेगा। तो ई वीज़ा या फिर आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, मैं स्टिकर वीज़ा लिया हूँ। और
सबसे पहले वॉशरूम जाता हूँ, बहुत जोर की लगी है। तो मुझे पता नहीं है इम्फाल मणिपुर में इंडियन लाइन परमिट यानी ILP की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। हाँ, इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी और इनर लाइन परमिट से मैंने अभी एक ये फॉर्म लिया है, इस फॉर्म को मैं अभी फिलअप करूँगा। और ये इनर लाइन परमिट का जो काउंटर है वो ठीक एग्जिट गेट के पास ही है। सो इनर लाइन परमिट मिल गया, बस 2 मिनट का प्रोसेस था। यह इनर लाइन परमिट मेरा 100 रुपया लगा, 100 रुपया 2 मिनट में मिल गया। और अभी मैं हूँ ऑफिशियली इम्फाल एयरपोर्ट के बाहर और देखता हूँ कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ से मोरे जाने के लिए। आज रात को मोरे में ही बिताना है, फिर कल सुबह मैं बस लूँगा मैंडले के लिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट पहले जाना होगा जो बस स्टैंड है, फिर बस स्टैंड से ही मुझे शायद बस मिलेगा मोरे के लिए। और यहाँ से अगर मैं मोरे का डायरेक्ट कोई टैक्सी लेता हूँ तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। आई कितना लीजिए, 50 रुपया होगा तो कितना ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं, एमएस तो बीस दूर दूर ज़्यादा चार घंटा है, कितना 7-8 किलोमीटर है ना? 7-8 किलोमीटर पर बोलो भाई, इधर से चार घंटा है वो बाजार की तरफ बाजार से उस तरफ जाएगा। नहीं, बाजार बाजार हमको नहीं देखना, वहाँ पे हमको जाना, कहाँ से ले जाएंगे वो आप सुनो। देखो सर, यहाँ से पता चलेगा तो अलग रास्ता है, ठीक है? एमएस तो अलग अलग जगह है, हमको बस पकड़ना है ये मोरे के लिए। मोरे के लिए जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है ना, वहीं पे हम 200 मांग रहे हैं ना। ना 200 ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोल रहे हम, कहाँ लिफ्ट मांग मांग के जाते हैं सबसे फ्री में, 200 मांग रहे हैं, 200 कहाँ से लेंगे पैसा? गूगल मैप यूज़ कर, थैंक यू।